भाजपा के फायर ब्रांड नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। वह 94 साल के हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। इसके बाद वह बधाई देने के लिए आडवाणी के घर पहुंचे। उनके साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी हाथ पकड़कर आडवाणी को अहाते में लेकर आए। इस दृश्य को उस वाक्य की याद दिलाने के लिए काफी है, जब नरेंद्र मोदी से गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने को हुई तो उन्हें इन्हीं लालकृष्ण आडवाणी ने उनका हाथ थामा और कुर्सी बचा ली। मोदी तब से लेकर वर्ष 2012 तक आडवाणी के लेफ्टिनेंट की भूमिका में रहे, लेकिन जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नए चेहरे की चर्चा जोर पकड़ी, आडवाणी और मोदी में दूरियां बढ़ने लगी। 2013 में आते आते दोनों के रिश्तों में 2013 आते आते दोनों के रिश्तों में तलखी ने ऐसा रूप ले लिया कि आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के प्रस्ताव का भरपूर विरोध किया। हालांकि 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को आखिरकार 2014 के आम चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर ही दिया। गौरतलब है कि पीएम मोदी हर साल आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं। पिछले साल यानी 2020 में पीएम मोदी बधाई देने के लिए आडवाणी के घर पहुंच गए थे और उन्हें केक खिलाया था। उस दौरान पीएम मोदी ने आडवाणी के पैर भी छुए थे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।